अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजनेता अभिनेता समेत कई हस्तियों को निमंत्रण मिला है। मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले योग गुरु बाबा रामदेव भी रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद बाबा रामदेव साधु संतों के साथ एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरा राष्ट्र राममय हो गया है, चारों तरफ भगवान राम की धुन छाई है और हम सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक पल में शामिल होंगे। आज चारों ओर राममय वातावरण हो रहा है, ये राष्ट्र और युग राममय हो रहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, सर्वलोक हितप्रिय, सर्वलोक में सबके हितकारी और सारे विश्व में जो लोकप्रिय है। कल एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको अपने आंखों से देखने के लिए मिल रहा है और ये सौभाग्य जिनकी बदौलत हमें उपलब्ध हुआ है, ऐसे उन राम जी के चरणों में जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी, जिन्होंने संघर्ष किया, तप किया, उन सबको प्रणाम करते हुए, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। आगे बाबा रामदेव ने बताया कि अब राम राज्य आ गया है और इसका मतलब प्रेम है। वैसे भी अयोध्या में ये राम मंदिर नहीं बन रहा बल्कि सभी मंदिरों का प्राण है और जो लोगों के घरों में मंदिर है वो शाखाएं हैं। राम राज्य का मतलब है सबसे प्रीति, ऐसे राम। आज ये एक मंदिर नहीं बन रहा, कुछ लोग कहते मंदिर तो हमारे भी घर में। अयोध्या, काशी और मथुरा का जो मंदिर है ये सब मंदिरों की प्राण है। ये बाकी अपने जो घर में मंदिर है वो उसके शाखाएं हो सकती है, ये उसका केंद्र है। इस दौरान बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि 22 जनवरी का दिन सनातन संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र का महापर्व है जिसे पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है और मनाना भी चाहिए क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। लेकिन आखिरकार अब कल सबका लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा और रामलला अपने गर्भ गृह में विराजमान हो जाएंगे। फिर परसों आम श्रद्धालु भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे।